आपां देश मैं नवा उडारी। 1 2 3 4 वेरी गुड, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं सिस्टम चेक करके आता हूँ। मुझसे नहीं होगा, हम ना स्टेप चेंज करवा लेते हैं। स्टेप क्यों चेंज करवा लेते हैं? मैं सिखाऊंगी, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। नहीं, मुझे करनी नहीं, ना तुम करो। मैं कर ही रही, पर शायद तुम भूल जाओ कि ये हमें साथ करना है। अच्छा, कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती? नहीं आती, तुम्हें आती है ना, तो तुम करो। ये तो लड़ रहे है, अब क्या करे? मुझे इसके साथ क्यों डांस करना पड़ रहा है? और मैं तो मरा जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। आइडिया, गुड। अलग अलग डायरेक्शंस में ही तो जाना है तुम दोनों को, और वापस आए भी ना तो मैं नहीं आने दूंगी। उन्हें ऐसा क्या खा लिया, तू हंसी जा रहा है? ये क्या सॉलिड पकौड़े हैं यार, जो भी खा रहा है बस बोले ही जा रहा है। वाह, मैजिक वाले पकौड़े। ओ भाई, कौन है? चल देखते हैं। मैं जैसे यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने आई हूँ ना? हाँ, मैं तो सारे काम छोड़ के आया हूँ ना तुम्हारी ये बुद्धि देखने के लिए। दिल्ली मैं भी नहीं थी, हानिया के लिए आई हूँ यहाँ। और मैं महर के लिए आया हूँ, और आके यहाँ फंस गया। मुझे जैसे बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ आके। आई वट्टी डांस क्वीन। तू झूठी है, तू झूठी। मेरे दादू ज्यादा पकौड़े खा सकते हैं, मेरी मम्मी ज्यादा पकौड़े खा सकती है, मेरे दादू। क्या हुआ बेटा, क्या क्या कर रहे हो? मैं कह रही थी कि उसकी दादू पकौड़े नहीं खा सकते क्योंकि इसमें मिर्ची है। झूठ, तूने कहा था तेरी मम्मा नहीं खा सकती पकौड़े, उनको मिर्ची अच्छी लगती। ठीक है, तो आप खा के दिखाओ महर की दादू। हाँ दादू, आप खा के दिखाओ। बेटा क्या है ये सब, आपको अपने दादू पे भरोसा नहीं? नहीं है। अच्छा भाई, अब तो फिर खाना ही पड़ेगा, मेरी अपनी ही बेटी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। आपको तो पता है ना कि मुझे चटपटी चीजें कितनी पसंद है, ये तो मैं ऐसे खा लूंगी। तो मैं क्यों नहीं खा सकता? देखा आंटी, मेरे दादू खाएंगे मिर्ची वाले पकौड़े, मेरी मम्मी भी खाएगी मिर्ची वाले पकौड़े। तो ठीक है बेटा, फिर हो जाए कंपटीशन। हाँ हाँ, हो जाए। नाले याद है ना, हथेली ते दिल ते नाम अरमान गिल। ये आसमा जब से वापस आई है मुझे तो फिक्र सी हो गई। पिछले 6 सालों से मेरा अरमान सुकून की जिंदगी जी रहा था, अब पता नहीं है कौन सा तूफान मचा के वापस जाएगी। मुझे इस आसमा को अपने अरमान से दूर रखना होगा,
लेकिन अरमान के दिल में तो इसके लिए अभी भी प्यार है। हाँ तो ठीक है ना, अगर पुराने गिले शिकवे भूल के अरमान भी अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी जी लेगा तो क्या हर्ज है उसमें। लेकिन अब पहले जैसी बात भी तो नहीं रही ना, मुर्तसिम के आने के बाद तो सब कुछ बदल गया था, आप तो अच्छी तरह जानते हो ना। लेकिन इसमें कितना सच है, इस बात की क्या गारंटी है? हम सब ने भी तो शक करके तुक्के लगा के ही फैसला लिया था ना। हवीर जी, वो डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ तो लिखा था, भूल गए? और डेट के मुताबिक वो बच्चा अरमान का हो ही नहीं सकता था, अभी तो उसको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतने सालों बाद उनका आमना सामना होना ये भी शायद उस रब का ही इशारा है। शायद वो भी यही चाहता है कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। ओ क्या कह रहे हो जी आप, वो कोई इशारा शुरा नहीं है, मुर्तसिम की बच्ची के साथ वापस आई है वो। इस बात का ये सबूत है कि ये दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। मुझे मेरी मेहर के लिए कोई सौतेली मांगनी चाहिए। तो पुत्र उसके लिए सगी माँ कहाँ से लाएगा? अरे कम से कम बस बस मम्मी, ना तो मेहर को माँ चाहिए और ना ही मुझे बीवी, और आप लोग ना हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं मेहर को लेके इस घर से चला जाऊंगा। और मेरी गल कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में मेरी शादी का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी, मेरा पुत्र अकेले जिंदगी नहीं काटेगा, और अगर हो सका ना तो मेहर को साथ लेके उसे मनाऊंगी। लेकिन इस आसमा को अपने पुत्र की जिंदगी से दूर रखूंगी। अब आप जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए हानिया और मेहर के मम्मी पापा का।
इन दोनों का प्यार मैंने तबाह कर दिया था, ये फिर कैसे शुरू हुआ? भाई भांग के पकौड़े का कमाल है, देख देख पेरेंट्स कैसे हीरो हीरोइन के साथ नाच रहे हैं। इससे पहले कि भांग का नशा उतरे और इनके प्यार का नशा चढ़े, मुझे कुछ करना होगा। जैसे ही ये पानी आसमा पर पड़ेगा वैसे ही होगा रिएक्शन। बाहर कोई बस में इंतजार कर रहा है। किसने बुलाया मुझे? किसने बुलाया मुझे? ये लो, और जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मैडम जी, अब ये बस में बैठ के जाएगी अरमान से दूर स्लोली स्लोली, और मैं मनाऊंगी अरमान के साथ होली। अबे डैडू मामा साथ में है, दोनों खूब बातें करेंगे और दोनों की फ्रेंडशिप भी पक्की है। तेरे मामा बस की तरफ जा रही थी तो मैंने भी अपने डैडू को बस की तरफ भेज दिया। कौन है? स्मार्ट हो गई है, दोनों की दोस्ती हो जाए कितना मजा आएगा। मैं नानू को फोन करके आती हूँ। पता है आसमा अरमान के साथ है। तुम यहाँ? तुम भी यहाँ और मैं भी यहाँ। गलत, मैं यहाँ और तुम यहाँ। ये तो कमाल हो गया। धोती फट के रुमाल हो गया। रुमाल फट के बेहाल हो गया। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए। एनी प्रॉब्लम? मेरे लिए? तो फिर जाने क्यों दिया था तब? क्यों नहीं आए थे मेरे पीछे? अरमान, और अब्बा, अगर नशे की हालत में अरमान और आसमा के दिल की गांठें खुल गई तो मेरा रास्ता तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं, 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 मुझे कुछ करना होगा।
तू यहाँ क्या कर रही है? गलती तुम्हारी थी। मुझे छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हारी वजह से गई थी, तुमने मजबूर किया था मुझे जाने के लिए। मैंने मजबूर किया था? हाँ, क्योंकि तुमने भरोसा करने के बजाय मुझ पे शक करना बेहतर समझा। आलिया बोल, बच्चों के स्कूल में तेरा क्या काम है? को पता है नानू, मैं की दादू और मम्मी की दोस्ती हो गई है। दोस्ती? वो दोनों बस में गए हैं। चाचा, मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि बच्चों ने जाने अनजाने में दोनों को बस में भेज दिया, पर मैंने वो देखा, वो बस का ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। सच सच बोला लिया, तूने फिर से कोई चालाकी तो नहीं करी है ना? डैडा नहीं, मैं क्यों कोई चालाकी करूंगी, वरना मैं आपको क्यों बताती? मैं सच बोल रही हूँ डैडा, वो ड्राइवर नशे में टली है बिल्कुल। डैडा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अरमान को कुछ ना हो जाए, हमें उन्हें रोकना होगा, प्लीज कुछ करिए। आसमान, 6 साल में तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला, तुम भी नहीं भूल सकते। इतना प्यार था हमारे बीच। इतना ही प्यार था? मुझे जाने क्यों दिया था? क्यों नहीं आए मुझे ढूंढते हुए? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका था। पता है, मैं हर वक्त यही सोचता था कि तुम जरूर आओगी। मैं क्या करता? तुमने मेरा दिल तोड़ा था, धोखा दिया था मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बिल्कुल चुप। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते। तुम्हारे मुंह से अपने लिए ऐसा कुछ सुनती हूँ ना, तुम मत करते ना जी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया अरमान, इसी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था, कभी नहीं। तो ये सब तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों कहा? तुमने मेरी बात सुनी थी, मुझ पे भरोसा किया था। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा होती, तुमने तो वो निभाए नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन तुम तो संभाल सकती थी ना मुझे। मुझसे शिकायत करती, मुझे डांटती लगती, मुझसे तुम तो ऐसे बस दूर चलेगी मुझसे ऐसे। क्यों क्यों शिकायत करती? क्यों आती तुम्हें कुछ सफाई देने? तुमने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, तब भी नहीं दी थी सफाई, अब भी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। इतनी नाराज थी कि मुझे एक बार भी याद नहीं किया और अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ गई? नहीं अरमान, तुम आगे बढ़ गए। मैं आज भी वही खड़ा हूँ आसमान, आज भी वही खड़ा हूँ। अगर अगर मेहर मेरी जिंदगी में नहीं आती ना, तो आसमान कब का मर के होता मैं।
तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकता।